स्वागत है आपका टेक्निकल कट्टा पे, और आपका दोस्त ईश्वर आज आपको प्राइवेट कंपनियों के बारे में बताने वाला है। सो दोस्तों, टेक्निकल कट्टा को आप सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल कट्टा यूट्यूब पे आप डालिए, टेक्निकल कट्टा आप सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, tech.nikalkatta, राइट। और उसके बाद आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, फेसबुक पे ईश्वर शेलार, राइट। सो दोस्तों, चलिए अब हम प्राइवेट कंपनियों के बारे में देखते हैं। सो दोस्तों, टॉप की कंपनीज है प्राइवेट कंपनीज, अगर आपका दोस्तों कंप्यूटर फील्ड में आपको नॉलेज है, कंप्यूटर फील्ड में, राइट, आपकी लैंग्वेजेस पे कमांड है, C++, जावा, पाइथन, SQL, ओके, SQL जैसे लैंग्वेजेस पे कमांड है, कंप्यूटर का आपको नॉलेज है, अगर आपका कंप्यूटर में डिप्लोमा हुआ होगा, अगर आपकी इंजीनियरिंग हुई होगी दोस्तों, अगर आप BCS के स्टूडेंट है या BCA के स्टूडेंट है या फिर BBA के स्टूडेंट है, राइट, अगर आपको कंप्यूटर में कौन सा भी नॉलेज होगा तो आप कैपजेमिनी, TCS, L&T, विप्रो, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, एमडॉक्स एंड एसेंचर जैसी कंपनियों में ऑफ जॉब मिल सकती है आपको दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिकल फील्ड का आपको नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका नॉलेज है, अगर इलेक्ट्रिकल में आपका आईटीआई हुआ होगा, आईटीआई, राइट, अगर आपका डिप्लोमा हुआ होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड में, अगर आपकी इंजीनियरिंग हुई होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, या फिर आपको कौन सा भी नॉलेज होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो आप सीमेंस, क्रॉम्पटन ग्रूव्स, वेल, एबीबी इंडिया, हैवेल्स इंडिया, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, ONGC, स्नाइडर, NTPC, बजाज और इमको लिमिटेड जैसी कंपनियों में आपको जॉब मिल सकते हैं दोस्तों। टॉप मोस्ट कंपनीज है, अच्छी सैलरी आपको मिलती है। उसके बाद अगर आपको दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का नॉलेज होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का आपको नॉलेज होगा, या फिर ऑटोमेशन में कोर्स हुई होगी आपकी, ऑटोमेशन में कोर्स हुई होगी, PLC स्काडा जैसी, या फिर आपका ENTC हुआ होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, ओके, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की अगर नॉलेज होगी, अगर आप इस फील्ड में आपका अगर डिप्लोमा होगा, इंजीनियरिंग हुई होगी, या फिर आपका BSc में इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, या फिर आपका मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, तो आपको इंटेल में, सैमसंग में, फिलिप्स में, वीडियोकॉन, रिलायंस, LG, सिस्को, हनीवेल जैसी कंपनी आपको जॉब मिल सकती है, अच्छी सैलरी मिलती है, ओके, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका मैकेनिकल फील्ड में, ओके, अगर आपका मैकेनिकल फील्ड में इंटरेस्ट होगा, आप इसमें अगर डिप्लोमा किया होगा आपने, या फिर आपने इंजीनियरिंग की होगी, तो आपको दोस्तों, अगर आपका ITI भी हुआ होगा, तो आपको थर्मैक्स, थाइसन ग्रुप, L&T, महिंद्रा लिमिटेड, अशोक लेलैंड, टाटा और सीमेंट जैसी कंपनियों में आपको जॉब मिलती है दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों, टेक्निकल कट्टा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों।